और एक तरफ लाउड स्पीकर पर घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई इफ्तार पार्टी को लेकर हुआ बवाल शांत होने का नहीं ले रहा है ना। बिल्कुल, और इस इफ्तार पार्टी को लेकर बीएचयू परिसर में वीसी का विरोध हो रहा है। इसी विरोध के क्रम में बीएचयू स्टूडेंट्स ने इफ्तार पार्टी और दीवार पर नारे लिखने के विरोध में वीसी आवास का शुद्धिकरण भी किया। देखिए, शुद्धिकरण के बाद छात्रों ने मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज किया, विवादित पेंटिंग करने वालों की गिरफ्तारी की भी मांग की। और ये पूरा मामला इस कदर गरमाया है कि इफ्तार पार्टी के बाद से ये स्टूडेंट कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी ये विरोध का अनोखा तरीका देखिए आप, वीसी आवास के बाहर ना सिर्फ नारेबाजी, पुतला फूंकना, ये सब तो चीजें देखी थी आपने, ये देखिए एक स्टूडेंट ने आधा सिर मुंडवाकर विरोध दर्ज किया है। स्लोगन लिखे हैं, कब गिरफ्तारी होगी ऐसे लोगों को, ऐसे कुछ चुनिंदे लोग जिनको सब कोई जानता है, बीएचयू प्रशासन भी जानता है, जिला प्रशासन भी जानता है, लंका थाना भी जानता है, कब गिरफ्तारी होगी? इसीलिए आज मैं अपना जो है बालदान किया। बालदान किए हैं तो अब एक क्या मांग, मतलब अब क्या रखते हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या आप गिरफ्तारी करिए उनके, जो ऐसे लोग जो जातीय समीकरण हिंदुओं को विखंडन करने का एक नया परंपरा, पुरुष महिला विभेद करने का एक नया परंपरा, क्यों चुना गया महिला विश्व महिला महाविद्यालय को? इसीलिए ना कि हम ध्रुवीकरण करें हर स्तर पे। बात कर लेते हैं यूपी में बुलडोजर के एक्शन की। आज मेरठ में प्रशासन का बुलडोजर जम कर गरजता हुआ दिखाई देगा। आपको बताएं, योगी राज में अवैध निर्माण पर मेरठ में आज बड़ा एक्शन होगा और मेरठ विकास प्राधिकरण की आज ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसमें चार जोन बनाए गए हैं और देखिए सब जोन 16 बनाए गए हैं, निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। एमडीएस सचिव चंद्रपाल तिवारी ने इस बारे में जानकारी भी दी है। मेरठ में आज कई अवैध कॉलोनी, कई अवैध दुकान जमींदोज होने वाले हैं और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस अभियान को चलाया जाएगा। तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में मेरठ में आज 16 जगहों पर ये कार्रवाई होने जा रही है। कई अवैध कॉलोनियों को गिराने का आज काम होगा, कई दुकानें आज जो कि गिराई जाएंगी और 16 जगहों पे जो चिन्हित किया गया है, 16 ऐसी जगह है मेरठ में जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। और वहीं मुरादाबाद में आप सांसद संजय सिंह ने बुलडोजर को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर बुलडोजर चलाना है तो वो सबसे पहले भाजपा के नेताओं जो कि अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उस पर बुलडोजर चलवाए। सुनिए, उन्होंने बुलडोजर राजनीति शुरू कर दी है, दिल्ली में बुलडोजर चला रहे हैं, मुरादाबाद में बुलडोजर चला रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर चला रहे हैं। ये जो बुलडोजर की राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का प्रतीक है। अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अतिक्रमण कर रखा है उनके घर पे बुलडोजर चलाओ।